हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गोलू कुशवा, आप देख रहे हो टैग बास्केट। दोस्तों, क्या आप भी YT स्टूडियो को बार बार ओपन करते हो? तो दोस्तों, एक बार पहले भी ऐसा वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था जिसमें बोला जा रहा था कि अगर YT स्टूडियो को बार बार ओपन करते हो तो आपका चैनल डेड हो जाएगा, आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आएगा, इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। लेकिन फिर से ऐसे ही एक वीडियो आया है सामने जिसका थंबनेल में बहुत सारे लोग ऐसा टाइप कर रहे हैं कि YT स्टूडियो को बार बार खोलो तो आपका वीडियो वायरल होगा। तो क्या रियलिटी है और क्या सही है, सारा सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, YT स्टूडियो को ओपन करते ही आपको कई सारे वहां पर एनालिटिक्स कराए जाते हैं जिससे आप अपने चैनल की जानकारी ले सकते हैं। यूट्यूब ने YT स्टूडियो ऐप क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि आप जो भी वीडियो अपलोड करते हो YouTube पर, YouTube की सारी जानकारी आपको मिल सके, आपकी ऑडियंस की जानकारी सारी आप तक पहुंच सके, ताकि आपको पता रहे कौन सा वीडियो किस ग्राफ पर चल रहा है, कौन सा वीडियो डाउन जा रहा है, क्या गलतियां कर रहे हो आप YT स्टूडियो पर, सारा सब कुछ आपको मिल जाता है। और यूट्यूब आपको रिकमेंड करता है, सजेस्ट करता है कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। तो YT स्टूडियो को अगर आप ओपन करके बार बार देखते हो, एक वीडियो आप अपलोड करते हो, अपलोड करने के बाद आप YT स्टूडियो को ओपन करते हो ना, सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ। और दिन में कई बार हम लोग ओपन करके जरूर देखते हैं कि हमारा वीडियो का रीच, इम्प्रेशन, क्लिक थ्रू रेट, एवरेज ड्यूरेशन कितना जा रहा है, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे वीडियो का रैंकिंग कहां पर है। तो दोस्तों, अगर YT स्टूडियो ना हो तो आप कैसे काम करोगे? जब आपको अपने वीडियो का एनालिटिक्स ही नहीं पता होगा तो आप उस पर सुधार कैसे कर पाओगे? आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपका थंबनेल किस तरीके से काम कर रहा है, तब तक आप अपने वीडियो पर चेंजमेंट कैसे कर सकोगे? आपको ये नहीं पता चलेगा कि ऑडियंस को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप अपने वीडियो में कैसे बदलाव करोगे, कैसे और बेटर बनाने की कोशिश करोगे, नहीं पता चलेगा ना। तो इसीलिए YT स्टूडियो ऐप का यूज किया जाता है दोस्तों। YouTube ने YT स्टूडियो ऐप को इसीलिए बनाया जिसका इस्तेमाल करके हर क्रिएटर, छोटे से लेकर बड़ा क्रिएटर, अपने वीडियो को और बेहतर बना करके ऑडियंस तक पहुंचा सके। और ऑडियंस जो उसकी ऑडियंस है, जो उसकी फैन फॉलोइंग है, जो उसके ऑडियंस देखना चाहती है, वो वीडियो क्रिएटर उनको दे सके। इस वजह से YT स्टूडियो का इस्तेमाल किया। दोस्तों, चलो ले चलते हैं आपको YT स्टूडियो पर और वहां पर आपको बताते हैं कि किस तरीके से YT स्टूडियो को आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आप अगर बार बार ओपन करते हो तो 100% आपका वीडियो वायरल होगा। कैसे होगा? काम करने पर YT स्टूडियो को ओपन करने से वीडियो वायरल नहीं होता। YT स्टूडियो को आप ओपन करें, ओपन करने के बाद जो चीज़ YT स्टूडियो में बताई गई है उस चीज को आपको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप आप उस पर काम करेंगे तब आपका वीडियो वायरल होगा। कौन कौन से स्टेप है, सिर्फ 2-3 तरीके बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं बताने वाला हूँ, तो ध्यान से समझ लेना, ठीक है? तो यहाँ पे जाएंगे एनालिटिक्स पे। सबसे पहले एनालिटिक्स सबसे मेन चीज होता है जो आपके चैनल का पूरा एनालिसिस कराता है। दोस्तों, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे व्यूज आपको बता रहा है कि पूरे चैनल पर टोटल व्यूज कितना आ रहा है 28 दिन में, ठीक है? 28 दिन का जब आपको व्यूज पता चलेगा तो यहाँ से पता चल जाता है ये ग्रीन है तो डाउन जा रहा है या अच्छा जा रहा है, बेटर जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 28 दिन में 2000 वॉच टाइम भी आया है, ठीक है? यहाँ पर सब्सक्राइबर भी बन गया है, 600 सब्सक्राइबर 28 दिन में आया है। तो इस तरीके से हमारा चैनल प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन आपको ऐसे चैनल को ग्राफ को कैसे सही करना, देखो यहाँ पर रियल टाइम व्यूज कितना आ रहा है 6200, यानी कि 6232। इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो 48 घंटे में 6234 लोग यहाँ पर वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर 60 मिनट पे चले जाते हैं और 60 मिनट में देखते हैं कितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, 211 लोग देख रहे हैं। तो ये रियल टाइमिंग होती है। तो इस तरीके से अगर आपके वीडियो को चेक करना है कि आपके ऑडियंस कौन से वीडियो को पसंद कर रहे, तो आपको ये एनालिटिक्स खोलना पड़ेगा दोस्तों। एनालिटिक्स खोलने से आपको तभी जानकारी होगी। YT स्टूडियो इसीलिए बनाया गया कि आप इस पर जानकारी ले सके। तो ये देखो टॉप कॉन्टेंट है आपके चैनल के, जैसा कि ये हमारे चैनल का टॉप कॉन्टेंट है, इसी ऐसे ही आपके चैनल पर YT स्टूडियो पर दिखा रहा होगा कि आपके चैनल पर कौन सा टॉप कंटेंट है। तो आपको इन्हीं टॉप कंटेंट पर काम करना है, इन्हीं टॉप कंटेंट पर जिस तरीके से आपने काम किया है इनको रिव्यू करना है, जैसा थंबनेल यहाँ पर बनाया इसी से रिलेटेड थंबनेल बनाने, जैसे आपने इंट्रो स्टार्ट किया इस वीडियो में उसी तरीके से आपको इंट्रो देना है, किस तरीके से आपने ऑडियंस को इंगेज किया है। तो इससे आप इस वीडियो से सीख सकते हो कि ये वीडियो हमारे टॉप क्यों चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर देखो हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अगर हम आते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे आएंगे कंटेंट पे, ठीक है?
कंटेंट पे आने के बाद यहाँ पर देखो दोस्तों, ये देखो इंप्रेशन यहाँ पर डाउन जा रहा है। क्यों जा रहा है ये डाउन? देखो 3,98,000, लेकिन ये एरो नीचे की तरफ, 23% लेस देन प्रीवियस 28 दिन। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा इंप्रेशन एकदम से डाउन हो गया। क्यों डाउन हुआ? कौन सी ऐसी गलती हमने कर दी? दोस्तों बीच में आपने देखा होगा हमारे चैनल पर वीडियोस नहीं अपलोड हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैं इमरजेंसी जरूरी काम से बाहर चला गया था, जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाए। दोस्तों यूट्यूब कहता है कि आप जब तक नया चैनल है आपका, जब तक आपके चैनल पर 50,000 लमसम सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, तब तक आप समझ लेना कि आपका चैनल छोटा चैनल है और आपको उसी तरीके से काम करना है जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को पालने में उसकी देखभाल करनी पड़ती है। कब वो भूखा हुआ, कब उसको दूध पिलाना है, कब उसको नहलाना है, कब उसको खाना खिलाना है, उसकी जितनी भी देखभाल करनी पड़ती है उसी तरीके से आपको अपने चैनल की देखभाल करनी पड़ेगी। टाइमली दोस्तों, टाइम से अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम नहीं करते हो तो आपका इंप्रेशन यूट्यूब डाउन कर देता है कि आप चैनल की देखभाल नहीं करो। अगर आप प्रतिदिन वीडियो नहीं डालते हो तो आपके चैनल पर ये इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, 3 दिन सिर्फ मैंने वीडियो नहीं डाले और 3 दिन का इंप्रेशन, 3 दिन में ये मेरे इफेक्ट पड़ गया पूरा चैनल पर। इससे पहले यहाँ पर 5 लाख चल रहा था दोस्तों, 5 लाख इंप्रेशन आ रहा था और बढ़िया तरीके से ये ग्रीन था, ऊपर की तरफ चल रहा था और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि 3 दिन सिर्फ मैंने वीडियो नहीं डाले किसी कारणवश, अगर आपको बुखार है, फीवर है या इमरजेंसी कोई वर्क है, तो आपको कंसल्टेंसी के साथ में पहले से वीडियो बना लेना है ताकि अर्जेंट में अगर हमें कहीं जाना पड़ जाए तो हमें वीडियो अपलोड करने हैं। तो इस तरीके से मैंने भी गलती की है, तो अपनी गलतियों से मैं सीखा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, ये हमारा एवरेज वीडियो ड्यूरेशन देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है, ये बराबर है, अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि अभी इंप्रेशन डाउन हुआ, इस वजह से चैनल थोड़ा डाउन हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद, मतलब कि 2-3-4 दिन बाद जब मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा तो फिर से रिदम में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है इंस्पिरेशन। देखो यहाँ पर इंस्पिरेशन दिया गया है और इस इंस्पिरेशन पे आपको जाना, और यहाँ पर दोस्तों सिंपल तरीके से देख लेना है कि आपका यहाँ पर देखो ये टॉप सर्चेस यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन मैं वो चीज आपको नहीं बता रहा हूँ जो सभी लोग बताते हैं। यहाँ पे 3 बिंदी पे क्लिक करना, यहाँ पे सॉरी इधर, यहाँ पे देखो, ये देखो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो वायरल शॉर्ट्स। अगर आप शॉर्ट्स वीडियो पर काम करते हो, अगर आपका टेक का चैनल, देखो जिस कैटेगरी का चैनल होता है उसी कैटेगरी के रिलेटेड यूट्यूब यहाँ पर आपको टॉपिक देगा। तो यहाँ पर मुझे टॉपिक दे रहा है कि शॉर्ट्स, वायरल शॉर्ट्स आइडियाज। तो देखो ये आइडियाज का ये जो कीवर्ड है, वॉच वीडियो ऑन दिस टॉपिक, देखो आइडिया, आइडिया जो कीवर्ड है ये एकदम लो है, कंपटीशन में लो चल रहा है। तो इस पर अगर आप वीडियो बनाते हो, ये देखो टॉपिक है हाउ टू वायरल शॉर्ट, तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये इन टॉपिक पर अगर आप वीडियो बनाते हो, देखो यहाँ पर वायरल वीडियो, तो इस तरीके से अगर यहाँ पर काम करते हो तो आपका वीडियो 100% वायरल होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये नहीं मैं कहता कि आज डालोगे तो तुरंत वायरल हो जाएगा, तुरंत नहीं होता कोई भी चीज, ठीक है, समय लगता है, लेकिन ये वीडियो आपके चलने लगेंगे 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपका वीडियो 100% व्यूज ला करके देगा इस टॉपिक पर, समझ रहे हो। तो ये जितने भी यहाँ पर टॉपिक आपको दिए गए हैं, इन टॉपिक पर आपको काम करना है, ठीक है। ये होता है टॉप सर्चेज। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्लिक कर देखो, ये सेंड फीडबैक है, इससे चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्लिक करते हैं एक्सप्लोर टॉपिक पर, ठीक है, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पे आपको एक चीज दिखाते हैं, यहाँ पे कोई नहीं बताया होगा आपको। यहाँ पे देखो क्रिएटर टिप्स पे जाते हैं, और क्रिएटर टिप्स पे जाने के बाद यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, वीडियो टिप्स, हमें वीडियो से रिलेटेड टिप्स चाहिए। अगर आप शॉर्ट्स से रिलेटेड टिप्स चाहिए तो शॉर्ट्स पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे जैसे ही जाएंगे यहाँ पे वीडियो टिप्स पे चले जाएंगे, और वीडियो टिप्स पे जाने के बाद देखो यहाँ पर बेसिक फीचर्स, यहाँ पे देखो बेसिक फीचर्स दे रहा है, ध्यान से समझना, बेसिक फीचर्स, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर ध्यान से जूम करके आपको दिखा देते हैं, वाई चूज यूट्यूब वीडियो, ठीक है, कैसे चूज करना है आपको वीडियो, क्यों चूज करना है, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो वीडियो मांग रही है, तो आपको यूट्यूब वीडियो के लिए आपको पहले चुनाव करना होगा कौन से वीडियो पर हमें काम करना है। उसके बाद अपलोडिंग योर यूट्यूब वीडियो, फिर उसके बाद अपलोड करना अपनी वीडियो, फिर ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन योर वीडियो, फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज करना अपने वीडियो को, ठीक है। इसके बाद क्रिएटिंग थंबनेल एंड टाइटल, उसके बाद थंबनेल और टाइटल को क्रिएट करना, कैसा, कैची होना चाहिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिसको पढ़कर, जिसको देखकर ऑडियंस आपके वीडियो पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। देखो ये बेसिक फीचर्स हैं, इन पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है।
इसके बाद राइटिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है अपने वीडियो का, बेहतर तरीके से अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखना। इसके बाद क्रिएटिंग अपलोड शेड्यूल, इसके बाद आपको शेड्यूल बनाना होगा अपने वीडियो अपलोड करने का कि कौन से शेड्यूल पे आप अपने वीडियो को अपलोड। ये जो पॉइंट है यहाँ पर 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंट पर अगर काम कर लेते हो, ये बेसिक फीचर है, हर छोटे यूट्यूबर के काम आएंगे, और इन पर काम करते हो अगर तो आपका वीडियो 100% वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये यूट्यूब आपको बेसिक नॉलेज दे रहा है, जैसे आप स्कूल में स्टार्ट करते हो तो आपको बेसिक नॉलेज से पढ़ाया जाता है, ये यूट्यूब की बेसिक नॉलेज है, आपको इस पर काम करना है, और इस पर अगर काम करते हो तो आपका 100% चैनल पर ग्रोथ मिलेगी दोस्तों। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है और कुछ भी नहीं होता। अगर इसको समझ लिया तो आपने यूट्यूब को समझ लिया दोस्तों। तो ये होता है वाइटी स्टूडियो पर काम करने का तरीका। वाइटी स्टूडियो को ओपन करने का तरीका यही है, बार बार ओपन करो या दिन भर ओपन करते रहो, लेकिन ओपन करने के बाद कुछ चीज़ों को सीखो। ओपन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपने वीडियोस का व्यूज देख लिया, एवरेज व्यू ड्यूरेशन देख लिया, ये नहीं देखना है आपको, एनालिटिक्स को देखना है आपको, अपने चैनल के बारे में जानना है कि आपकी ऑडियंस मांग क्या रही है, किस बारे में आपको काम करना चाहिए, कौन सा आपका टॉप कॉन्टेंट है। जब ये चीजों पर आप काम करोगे तब आपका नेक्स्ट वीडियो 100% हाई लेवल पर जाएगा। तो हर एक वीडियो को आप अपग्रेड कर सकते हो अपने चैनल के एनालिटिक्स से। इस वजह से कहा जाता है कि वाइटी स्टूडियो को बार बार ओपन करने से आपका वीडियो वायरल होगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताना दोस्तों, शेयर कर देना इस वीडियो को दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो पे आपको कोई अच्छा लगा हो पॉइंट, तो उस पॉइंट को मुझे बता देना कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपको पसंद आया दोस्तों। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, अपना ख्याल रखना।